वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन साईं बाबा बनी बाबा बगरी जनिर 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 सा दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन सबको जय यीशु की। प्रभु के सामर्थ्य नाम पर मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। प्रियजनों, आज मनुष्य की दशा ये है कि वह ईश्वर की योजना के विरुद्ध चला गया है, और यही कारण है कि उसके जीवन में बहुत सारी अशांति है। इसी के कारण उसके जीवन में सुख नहीं है, वो हमेशा अपने आप को कष्टों से घिरा हुआ पाता है। उसके जीवन में इतनी बेचैनी है प्यारे भाइयों और बहनों कि वह शांत रहने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा कर नहीं पाता है। इंसान, मैंने कहा, ईश्वर की योजना के विरुद्ध चला गया और वह जंगली बनता जा रहा है। इंसान ईश्वर का तिरस्कार करने पर लगा हुआ है। विज्ञान ने इतनी ज़्यादा तरक्की हासिल की है, इतने ज़्यादा शोध किए हैं, चांद तक इंसान पहुँच गया है, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, वो ईश्वर से कभी ना कभी भागता हुआ नजर आता है, और वो अपने आप को ईश्वर से छिपाने की कोशिश करता है क्योंकि वह पाप और बुराई के मुद्दे पर बातचीत करना नहीं चाहता, उसे समझने की कोशिश नहीं करता। यदि करता भी है तो उससे अपने आप को जुदा करने की हिम्मत नहीं कर पाता है, और यही कारण है कि वह निरंतर कष्टों में ही रहता है। हर वक्त अपने आप को ऐसी परिस्थिति में डाले रखता है जहां पर उसे सुख शांति हासिल नहीं होती है। तो आज मनुष्य ईश्वर से भागा हुआ है, मैंने कहा, पाप की अवस्था में है, बुराई की अवस्था में जीवन बिताता है। जीवन के लगभग हर स्तर में आपको पाप देखने को मिलेगा। बच्चों के जीवन में देख लीजिए, युवक युवतियों के जीवन में देख लीजिए, दंपतियों के जीवन में, बुजुर्गों के जीवन में, और जीवन के किसी न किसी आयाम पर जब वे लोग पहुंचते हैं तो किसी न किसी पाप या प्रलोभन में पड़ ही जाते हैं और उसके द्वारा अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। पाप प्रियजनों सर्वत्र फैला हुआ है। यदि आप अपनी आंखें उठाकर अपने चारों ओर देखें तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि इस पाप का रूप कितना भयानक है और इसने किस तरह से लोगों को अपने वश में किया हुआ है। नशे का पाप, ड्रग्स का पाप, जो लोग नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उसके द्वारा उनका जीवन नष्ट हो गया है। ना केवल परिवार उजड़े बल्कि शरीर भी लगभग लगभग खत्म हो गया है। किडनियों का, लीवर का और उनके अंगों का नाश हो चुका है जो इस प्रकार के घिनौने पापों में फंसे हुए हैं। बेईमानी का पाप सिर चढ़ के बोलता लोगों के, घूसखोरी का पाप लोगों के सिर चढ़ कर बोल रहा है, अश्लीलता का, घमंड का, लड़ाई झगड़े का, हत्या का, चोरी का, भ्रष्टाचार का, इन तमाम बुराइयों का जो पाप के रूप हैं, लोगों के सिर चढ़ कर इसका नशा जो है वो दिखता है। प्यारे भाइयों और बहनों, पाप इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि इंसान को पाप का बोध ही नहीं है। इंसान पाप का बोध खो चुका है, अपने जीवन में वो इन सारी बुराइयों को देखने में असमर्थ है,
और दोषारोपण करने में सबसे आगे है इंसान। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो, जब तुम्हारी अपने ही जीवन में अपनी ही आंख में दोष है तो तुम अपने भाई से यूं ये क्यों कहते हो कि भाई मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं, अर्थात मैं तुम्हारी सहायता कर दूं इन तमाम चीजों से ऊपर उठने के लिए। कहता है रे ढोंगी, सबसे पहले तू अपने उद्धार और अपनी मुक्ति के लिए काम कर। इसलिए प्रियजनों, आज भाई भाई को मारना चाहता है। माता पिता संतान के विरुद्ध हैं तो संतानें माता पिता के विरुद्ध हैं। भाई भाई में प्रेम नहीं है, बहन बहन में प्रेम नहीं है, एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए हैं। जमीनी विवादों से परिवार त्रस्त हो चुके हैं, प्रॉपर्टी के विवादों से परिवारों में क्लेश है, झगड़ा है, संपत्ति को लेकर पूर्वजों की द्वारा प्रदान की गई बपौती को लेकर लोगों में सामंजस्य नहीं है, अशांति है, लालच के कारण उनके घरों में फूट पड़ी हुई है। पैसा बुराई की जड़ है, जैसा कि याकूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। इंसान क्रोध और ईर्ष्या से भरा हुआ है और निरंतर इसी से संचालित होकर वो कार्य करता है। अच्छे एवं ईमानदार लोग यदि आप ढूंढना चाहें तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छे और ईमानदार लोग यदि आप लोग ढूंढना चाहें तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। परंतु मेरी एक सलाह समझें या मेरी ख्वाहिश समझें, मैं हमेशा ये कहता हूं कि हम दूसरों को सुधारने का कार्य छोड़कर अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करें। आप अपना जीवन बदल लीजिए, दूसरों का जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। क्योंकि हम जैसे हैं हमें सामने वाला वैसे ही नजर आता है, जैसी हमारी दृष्टि है वो वैसा ही देखती है, जैसे हमारे विचार हैं वैसे ही वो सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं और परसीव करते हैं। इंग्लिश में एक सुंदर कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आइस ऑफ बिहोल्डर। अगर आपका जीवन अच्छा है तो आप दूसरों को भी अच्छाई देने की कोशिश करेंगे। अगर आपके जीवन में प्रायश्चित है, प्रार्थना है, तो आप दूसरों को भी यही देने की कोशिश करेंगे। तो हम चिंतन कर रहे थे, मनन कर रहे थे कि इन सारी बुराइयों से, पापों से कैसे बचा जा सकता है, हम कैसे प्रभु के नज़दीक आ सकते हैं, हम कैसे अपने जीवन में इन कृपाओं को फिर से भर सकते हैं। तो योएल नबी कहता है अध्याय 2 पद संख्या 12 से 14 में कि अब तुम लोग उपवास करो, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौटो। अब तुम लोग उपवास करो, रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से तुम मेरे पास लौटो। ये प्रभु का निमंत्रण है। कहता है कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तुमने अपने आप को बर्बाद किया है, तुमने अपने आप को अपवित्र किया है, तुमने अपने शरीर को अपवित्र किया, तुमने अपने शरीर को बर्बाद कर डाला, अपने भविष्य के साथ तुमने खिलवाड़ किया है। अब तुम भी मेरे पास लौटो जिससे कि मैं तुम पर दया कर दूं और तुम्हारा जीवन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। प्रभु का वचन हमसे ये गुजारिश कर रहा है कि तुम इस बात पर विचार करके देखो, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद संख्या 5, कि तुम कितने ऊंचे सिंहासन से नीचे गिर गए हो, अर्थात तुम उस कृपा से परिपूर्ण थे, तुम उस सानिध्य से परिपूर्ण थे, अब तुम उस सानिध्य से दूर चले गए हो, तुम महिमा से वंचित हो चुके हो, तुम भटक चुके हो, ईश्वर के रास्ते से तुम अलग हो चुके हो, इसलिए तुम ये सब दंड भुगत रहे हो। तो प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10 वचन में हम पढ़ते हैं कि तूने धीरे से दंड देकर पश्चाताप करने का हमें अवसर दिया है। तूने हमें धीरे से दंड देकर पश्चाताप करने का अवसर दिया है। इसलिए जब कष्ट हमारे जीवन में आता है, परेशानी हमारे जीवन में आती है, तो उन्हें हमें बड़ी ही उदारता के साथ, बड़ी ही भक्ति के साथ,
प्रभु से प्रार्थना करते हुए सहन करना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि तुम में से कुछ लोग अपने ही कुकर्मों के कारण बीमार पड़े हुए हैं। तुम लोगों में से कुछ लोग अपने ही कुकर्मों के कारण बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन प्रभु आपकी उन्नति चाहता है, प्रभु आपका कल्याण चाहता है, प्रभु आपकी मुक्ति चाहता है, और वो चाहता है कि आप उससे प्रेम करें, वो चाहता है कि आप उसे खोजें, वो चाहता है कि आप उसकी हजूरी में आएं। परंतु आज मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना और समस्या वो ये है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करना नहीं चाहता, वो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना नहीं चाहता है, वो अपने पापों को छिपाता है, अपने अपराध बोध को छिपाता है। प्रभु ये कहता है कि तुम छोटे बच्चों के जैसे बन जाओ, विनम्र बन जाओ, दीन बन जाओ, प्रभु के सामने घुटना टेको। बाइबल में एक सुंदर उदाहरण हम पढ़ते हैं, नाकेदार जो मंदिर के द्वार पर आकर घुटना टेक कर अपनी छाती पीट पीट कर कहने लगा कि प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। परंतु वहीं दूसरी ओर एक फरीसी आकर वेदी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं इस पापी के जैसा नहीं हूं, मैं दान देता हूं, मैं पुण्य करता हूं, मैं अच्छे काम करता हूं, मैं इसके जैसा नहीं हूं, मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। और वो अपने अच्छे कामों का ढिंडोरा पीटने लगता है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या मैं और आप उसी श्रेणी में हैं? मनन चिंतन का आज ये विषय है। अगर मैं और आप प्रभु के पास लौटना चाहते हैं तो हम किस प्रकार लौटें? और उसका रास्ता बाइबल हमें बताती है कि बिना प्रायश्चित के कोई भी ईश्वर के पास नहीं लौट सकता, बिना अपनी कमजोरियों की स्वीकृति के कोई भी ईश्वर के पास नहीं लौट सकता है। इसलिए योहन के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर से मेल करो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी, ईश्वर से मेल करो और तुम्हें फिर से सुख शांति मिलेगी। विपत्ति और दुखों से प्रभु हमें संदेश देता है, विपत्ति और दुखों से परमेश्वर हमारे जीवन में हमें संदेश देता है, वो हमें चेतावनी देना चाहता है। इसलिए जब भी कोई विपत्ति या दुख या कष्ट हमारे जीवन में आता है तो समझ लेना कि उससे प्रभु हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है, या वो हमें प्रायश्चित करने के लिए आमंत्रित करता है, और या फिर वो हमारे जीवन को सुधारना चाहता है। इसलिए यशायाह नबी कहता है अध्याय 55 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचारों को त्यागे और प्रभु के पास लौट कर चला आए। दुष्ट अपने मार्ग को छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचारों को छोड़ दे और पापी अपने रास्तों को छोड़कर प्रभु के पास लौट कर चला आए। क्योंकि बाइबल हमें बताती है इज़ेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 30 से 31 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है कि हे इज़राइल के घराने, मैं तुझ पर दया करूंगा, मैं तुझे एकत्र करूंगा, मैं तुझे फिर से एकत्र करूंगा, जैसे एक गरुड़ अपने पंखों की छाया में अपने चूजों को बच्चों को एकत्र करता है, मैं भी तुझे ऐसे ही एकत्र करूंगा। इसलिए ईश्वर के पास लौटने का जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है प्यारे भाइयों और बहनों, वो पश्चाताप है। बिना पश्चाताप के, बिना स्वीकृति के, बिना ईश्वर की कृपा से हम में से कोई भी ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। तो सबसे पहला रास्ता जो एक विश्वासी को अपनाने की जरूरत है प्रभु के पास लौटने की, वो है प्रायश्चित, पश्चाताप। पश्चाताप का अर्थ है ईश्वर के पास लौटना, वापस आना। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं कि प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है, दूसरी किसी बात में नहीं। तो यदि आज आप लोग चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा के पात्र आप बन जाएं, तो प्रायश्चित करना और ईश्वर के पास लौटने का पूरा पूरा प्रयास करना। इसलिए प्रवक्ता कहता है अध्याय 17 पद संख्या 20 में कि ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है। आप ये ना कहें कि
कि मेरे जीवन में पाप है और ये पाप क्षमा नहीं हो सकता, मैं कैसे यीशु के पास जाऊंगा, मैं कैसे ईश्वर के पास जाऊंगा, मैं कैसे पुरोहित को अपने पाप जाकर बताऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल साफ साफ कहती है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 20 में, कि अगर कोई सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता, अपने गुनाहों को कबूल करता है, तो ईश्वर ऐसे पश्चातापियों को अपने पास लौटने देता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 पद संख्या 19, जब हम ईश्वर के पास लौटते हैं तो हमारे पाप मिट जाते हैं। जब हम ईश्वर के पास लौटते हैं तब हमारे पाप मिट जाते हैं, हमारे जीवन में आशीषों के द्वार खुल जाते हैं, हमारे कामों में अनॉइंटिंग आने लगती है, हमारे बच्चों के जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों अभिषेक उतरने लगता है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उस पर प्रभु की दया हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। इसलिए प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 23, प्रभु का वचन ये कहता है कि ईश्वर पापों को अनदेखा करता है ताकि लोग पश्चाताप करें। ईश्वर पापों को इसलिए अनदेखा करता है ताकि लोग क्या करें, पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट कर चले आए। आज अपने जीवन की किताब को खोल कर देखिए, बचपन से लेकर अब तक कितनी बार इंसान ने, आपने और मैंने उन पापों को दोहराया जिसके विषय में बाइबल हमें बार बार मना करती है। हो सकता है वो पाप आंखों की दृष्टि से किया हो सकता है वो पाप हमारी जुबान से कर लिया हो सकता है वो पाप इन हाथों से हो गया हो सकता है वो पाप अपने विचारों से कर दिया हो, किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा समझकर, अहंकार के द्वारा, घमंड के द्वारा। हो सकता है हम इन तमाम बुराइयों से गुजरे होंगे, लेकिन प्रभु ने इन सब को अनदेखा किया क्योंकि वो चाहता है कि इंसान, एक विश्वासी जो प्रभु के पास आना चाहता है, वो पश्चाताप करे और अपने आप को पवित्र करे। पाप की अवस्था में इंसान जब रहता है इसलिए उसके जीवन में उसे चमत्कार नहीं दिखता है, इसलिए हम प्रभु की बातों को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए स्तोत्रकार कहता है अध्याय 130 पद संख्या 4 में कि प्रभु पापों को क्षमा करता है, इसलिए आप लोग क्या करें, प्रभु के पास लौटें। इसलिए आप प्रभु के पास लौटें। अगर हम प्रायश्चित नहीं करते, अगर हम पाप करते जाते हैं, तो हम ईश्वर की कृपा से वंचित रहेंगे। और जब हम वंचित रहते हैं तो चीजें हमारे सामने होंगी, हम उन्हें देखेंगे लेकिन हम उन्हें छू नहीं पाएंगे, हम उन्हें खा नहीं पाएंगे। अच्छा भोजन आपकी आंखों के सामने रहेगा लेकिन आप उसे खा नहीं पाएंगे क्योंकि हम महिमा में नहीं हैं, हम महिमा से वंचित हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि आपको हर एक पाप का दंड भुगतना पड़ेगा अगर आप प्रायश्चित नहीं करते। गणना ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 23, गणना ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 23, प्रभु का वचन कहता है कि पाप का दंड तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को पाप में ना पड़ने दें, बुराई में ना पड़ने दें, बल्कि 10 गुना उत्साह के साथ आप परमेश्वर के पास लौटे। जिस उत्साह के साथ आप उसकी इबादत करते थे, उसी उत्साह के साथ आप परमेश्वर के पास लौटे और वो आप पर दया कर दे, क्योंकि पाप का रूप जो है बड़ा भयानक है, उसके दांत जो हैं इतने पैने हैं कि शेर के दांतों के समान है, जिसके घावों का इलाज नहीं है। और ये इतना भयानक है कि पाप जो है पवन की तरह छितरा देता है, पाप पवन की तरह छितरा देता है। ये यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 64 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं। इसलिए बाइबल हमें बताती है, ध्यान रहे प्यारे भाइयों और बहनों, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 22 से 23 में, कि दुष्ट अपने कुकर्मों के कारण मर जाएगा। दुष्ट व्यक्ति, पापी व्यक्ति अपने बुरे कामों के कारण, अपने कुकर्मों के कारण मर जाएगा यदि वो प्रायश्चित नहीं करेगा। यदि वह प्रायश्चित नहीं करेगा तो वह अपने कुकर्मों के कारण मर जाएगा। जैसा मैंने आपसे कहा
कि शेर जैसे शिकार की घात में रहता है, पाप भी अन्याय करने वालों की घात में रहता है। इसलिए इनसे बचने के लिए एक ही उपाय है और वो है उपवास, प्रार्थना, वचन का लगातार अध्ययन करना, उसे पढ़ना, उस पर मनन करना, उसे अपने बच्चों को सिखाना, लेटते सोते जागते समय, यात्रा करते समय इन वचनों को दोहराना, याद करना और प्रार्थना करना, और इसकी चर्चा अपने नाती पोतों और बच्चों के साथ करना, ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रभु के अपूर्व चमत्कारों को जान सकें और ईश्वर की आशीष उनके जीवन में सदा बनी रहे। तो जब आप पाप करते हैं तो ईश्वर की आशीष से वंचित हो जाते हैं, तो लौटने के लिए हमें प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु का वचन यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, तो उससे दूर होने पर मैंने पश्चाताप किया, समझ आ जाने पर मैंने अपनी छाती पीटी, मैं लज्जित था, मैं पानी पानी हो गया था, क्योंकि मैं युवावस्था से कलंकित था। अब कई बार भाई बहन कहते हैं, आखिर पाप स्वीकार करने की आवश्यकता क्या है, हमने तो कोई पाप नहीं किया है, हमने तो कोई उल्लंघन नहीं किया। प्रियजनों, दाऊद कहता है कि मैं अपनी माता के गर्भ से ही पापी हूं। दाऊद कहता है मैं अपनी माता के गर्भ से पापी हूं। यिर्मयाह कहता है कि मैं अपनी युवावस्था से ही कलंकित हूं। तो जब मैं और आप अपनी युवावस्था से ही कलंकित हैं, अपनी मां के गर्भ से ही हम पापी हैं, तो मुझे और आपको अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। और इसके विषय में बाइबल हमें कहती है कि आप उन बातों का पता लगाएं कि कौन सी बातें ईश्वर को प्रिय हैं। और जब हम लोग ये बातों का पता लगा लेते हैं कि कौन सी बातें ईश्वर को प्रिय हैं, तो ये लाजमी सी बात है कि मैं और आप पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे ईश्वर की हजूरी में आने का, उसकी पवित्रताई में बने रहने का, पवित्रता की साधना करने का, विश्वास की साधना करने का हम पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे। और संत पौलुस कहता है कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 7 पद संख्या 1 में कि पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने का पूरा पूरा आप लोग प्रयत्न करें। योशुआ नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि तुम आज अपने आप को पवित्र करो और कल तुम्हारी आंखों के सामने परमेश्वर क्या करेगा, चमत्कार करेगा। संत पौलुस लिखता है कि पवित्रता के अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता, पवित्रता के अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए योशुआ ने इसराइलियों से कहा कि तुम आज अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो और कल तुम्हारी आंखों के सामने ईश्वर चमत्कार करेगा। इसलिए यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 8 में कि पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। जो वचन आज आप सुन रहे हैं ये आपके जीवन में, आपके परिवार में 100 गुना 60 गुना और 70 गुना फल लाए और ईश्वर में आपको उन्नति प्रदान करे, आपके जीवन में आत्मिक उन्नति आए, आपके जीवन में आर्थिक उन्नति आए, आपके जीवन में शैक्षणिक उन्नति आए, आपके जीवन में, आपके खेत खलिहानों में, दफ्तरों में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में प्रभु आपको मालामाल करे। यदि आप उसके वचन पर मनन चिंतन करते, उसकी आज्ञा का पालन करते और उसे अपने जीवन में संजोए रखते हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी मामूरी से अवश्य भरेगा। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 7 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन ये कहता है कि यदि आप प्रभु यीशु में विश्वास करो तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। विश्वास करने का अर्थ ही ये है प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के सामने झुकना, छोटा बनना, विनम्र बनना, उस पर विश्वास करना और पवित्रता की साधना करना, और इन्हीं के द्वारा हम उसकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो प्रियजनों, अपने आप को और अपने परिवार को जब हम पवित्र करते हैं, सैंक्टिफाई करते हैं, तो हमारे जीवन में ईश्वर की आशीष और रूह का मसा बरकरार रहता है, वो हमें आशीष प्रदान करता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि वो हजार पीढ़ियों तक अपनी कृपा को बनाए रखता है, बुराई, अपराध और सारे पापों को वो क्षमा करता है। इसलिए यदि आपको कोई शक है तो आप प्रभु कहता है परख कर देख लो कि प्रभु कितना भला है, वो इतना भला है कि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है।
उसकी महिमा अनंत काल तक हमारे जीवन में होती रहती है, क्योंकि वो चाहता है कि आपका कल्याण हो। वो चाहता है कि उसकी योजनाएं जो आपके और मेरे लिए हैं, आपके और मेरे हित के लिए हैं, वो पूरी हो जाएं और परमेश्वर हमारे घरों पर अपनी आशीष बरसाए। इसलिए प्रियजनों, जब हम पश्चाताप करते हैं तो ईश्वर से हमारा मेल पुनः हो जाता है, हम फिर से उसके पुत्र पुत्रियां कहलाने लायक बन जाते हैं, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और पश्चाताप करने से हमारे जीवन में आशीषों के द्वार खुल जाते हैं, पश्चाताप करने से परमेश्वर की आशीष और बरकत हमारे जीवन में फिर से काम करने लगती है और सफलता हमारे आगे आगे चलने लगती है। पाप स्वीकार के द्वारा मैं और आप ईश्वर से फिर जुड़ जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु को हम धन्यवाद दें और सच्चे हृदय से प्रायश्चित करें, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगें। जाने अनजाने में जो हमसे गलतियां हो गई हैं, हो सकता है आँखों के द्वारा हमने पाप किया हो, इन हाथों के द्वारा, इन पैरों के द्वारा, इन कानों से, इन होठों से, या अपनी जीभ से या शरीर से कोई पाप किया है, तो प्रभु उसके लिए हमें क्षमा प्रदान करे और हमारे जीवन में बरकत आए, आशीष आए, जिससे कि हम पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न कर सकें। आमीन।